नमस्कार, मैं अनुप्रिया, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। तंबाकू जन्य पदार्थ के सेवन से दिन ब दिन मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तंबाकू जन्य व्यसनों से छात्रों को दूर रखने के लिए प्लेज फॉर लाइफ यह राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। तंबाकू जन्य पदार्थों के सेवन से दिन ब दिन मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्र में यह प्रमाण ज्यादा होने की बात एक सर्वेक्षण से सामने आई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र में प्रतिदिन 530 बच्चे तंबाकू जन्य पदार्थों के सेवन के अधीन हो रहे हैं। तंबाकू जन्य व्यसन से छात्रों को दूर रखने के लिए प्लेस फॉर लाइफ यह राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। इसमें 8 जिलों के 25,000 छात्रों को तंबाकू मुक्ति की शपथ दिलाई गई है। महाराष्ट्र में 26 लाख लोग इस तंबाकू विरोधी मुहिम में संदेश दूत बने हैं और राज्य के सभी स्कूलों में इस अभियान के जरिए जन जागृति की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। राज्य भर में सोमवार को 5 दिन के गणपति का धूमधाम से विसर्जन हुआ। सोमवार को बिताई के दौरान भक्तों की आंखें नम रही। राज्य भर में सोमवार को 5 दिन के गणपति का धूमधाम से विसर्जन हुआ। सोमवार को बिताई के दौरान भक्तों की आंखें नम रही। गाजे बाजे और अगले बरस तू जल्दी आना के उद्घोष के साथ बाप्पा की विदाई हुई। सोमवार को दोपहर बाद से शुरू हुआ विसर्जन देर रात तक चलता रहा। हर गली मोहल्ले से गणपति बाप्पा मोरिया पुढ़चा वर्षी लौकरिया की आवाज आ रही थी। मुंबई में 63 सार्वजनिक मंडलों के साथ 201 सोसाइटी के और 34,030 घरगुती गणेश जी का और गौरी माता का विसर्जन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। अक्टूबर महीने में नेरुल से खारकोपर तक रेलवे सेवा शुरू करने का रेलवे और सिडको प्रशासन का मानस है। नेरुल उरण यह 27 किलोमीटर लंबाई वाला मार्ग है। पहले स्तर में खारकोपर तक लोकल सेवा शुरू होने वाली है। नेरुल सीउड से खारकोपर यह 12 किलोमीटर का अंतर है तो खारकोपर से उरण यह 15 किलोमीटर का अंतर है। यह प्रकल्प सिडको और रेलवे के संयुक्त सहकार्य से बनाया जा रहा है। इसके लिए 1782 करोड़ खर्च अपेक्षित है। अक्टूबर महीने से नेरुल से खारकोपर तक रेल सेवा शुरू करने का रेलवे और सिडको प्रशासन का मानस है। इसके लिए दोनों की ओर से जोरों शोरों से काम शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। राज्य भर में पिछले 3.5 महीने में केवल 80% बारिश हुई है। राज्य में पिछले 3.5 महीने से केवल 80% बारिश हुई है। सितंबर महीने में सूखे की स्थिति निर्माण होने से खरीफ हंगाम की फसल पर इसका बुरा असर हुआ है। मराठवाड़ा में जल साठे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो सूखे की स्थिति राज्य में निर्माण होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ल्ड के बेस्ट हवाई अड्डे से नवाजा गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ल्ड के बेस्ट हवाई अड्डे से नवाजा गया है। यात्रियों को हवाई अड्डे पर दिए जाने वाले सुविधाओं का अभ्यास कर यात्रियों ने दिए नामांकन के अनुसार यह पुरस्कार दिया गया है। ACI ने एक सर्वेक्षण किया था जिसमें वर्ल्ड के सभी हवाई अड्डों में से यात्रियों को सबसे अच्छी सुविधा कहां पर मिलती है इसके बारे में सर्वे किया गया था। इसमें यात्रियों ने बताया कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी सुविधा मुंबई के हवाई अड्डे पर दी जाती है, इसलिए मुंबई के हवाई अड्डे को वर्ल्ड के बेस्ट हवाई अड्डे से नवाजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। 23 सितंबर को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनके शुभ हाथों से आयुष्मान भारत इस योजना का अनावरण होने वाला है। राज्य भर के 84 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए की हमी देने वाले आयुष्मान योजना के साथ पिछले 6 सालों से चली आ रही राज्य सरकार की महात्मा फुले जन आरोग्य योजना भी राज्य भर में शुरू रहेगी। महाराष्ट्र में 23 सितंबर से आयुष्मान भारत योजना शुरू होने वाली है। राज्य भर के 84 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले स्तर में राज्य सरकार और महापालिका अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय और रुग्णालयों में यह योजना शुरू होगी। 23 सितंबर को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनके शुभ हाथों से इस योजना का अनावरण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।